एग्जामिनेशन. देयर आर 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड देयर इज़ ऑनलाइन लिंक आपको दिया जाएगा. ऑनलाइन लिंक आपको जैसे ही मिलते ही आप प्रीमियर में आएंगे, और प्रीमियर इन द सेंस मतलब क्लासेस चलते रहेंगे, उस समय आपको एग्ज़ाम देना है और सेंड कर देना है. ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं वो डिस्कस भी करूँगा, क्वेश्चन भी आपको समझाऊँगा, ताकि आप अधिक से अधिक बातों को समझ सकें और अधिक से अधिक राइट आंसर्स को बना सकें. नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बेसिक ऑफ फ्रिक्शन. कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट complete the sentence friction always dash. आपको fill in the blanks दिया गया है, इसमें आपको complete करना है. और आपके option number one आपको दिया है help the motion. B number opposes the motion. C number is आपका तीसरा ऑप्शन है both A and B, and D option is none means none of these, मतलब A B C D में से ए बी सी में से कोई भी सही नहीं लगे आपको, तब आप मारेंगे डी ऑप्शन, डेट इज नन ऑफ दिस. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डज अ स्मूथ Which of the following helps to increase the friction? Which of the following help to increase the friction? Option number A, rough surface. B, स्मूथ सरफेस. सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3. Which one is greater in static friction, sliding friction, static friction, sliding friction and rolling friction? Which one is greater in static sliding rolling? ये आपको डायरेक्ट आंसर मैंने दे दिया है, आप इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, एक सरप्राइज क्वेश्चन मान के चलिए. इसमें आपको मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, which of these characteristics
विच ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स डज अ स्मूथ सरफेस डज ए स्मूथ सरफेस हैज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन आपका क्या दिया है, लेस फ्रिक्शनल फोर्स, बी है मोर फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन नंबर ए इज लेस फ्रिक्शनल फोर्स, बी इज मोर फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड इज सम टाइम लेस एंड सम टाइम मोर फोर्स, कभी ज़्यादा कभी कम, सम टाइम लेस sometimeless and sometime more, क्या होगा sometime more force। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से आंसर दीजिएगा। डी आपका हो गया none of this, none of this। Now we discuss the question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन इज अ ए कॉन्टैक्ट फोर्स, बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन नंबर सी आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा मैग्नेटिक फोर्स, एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो ये आपके हो गए चार ऑप्शन, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स है, या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 था विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डज ए स्मूथ सर्फेस हैज, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्मूथ सर्फेस के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है, जिसमें लेस फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या स्मूथ सर्फेस में लेस फ्रिक्शनल फोर्स होता है, बी नंबर मोर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, या फिर सी नंबर में समटाइम लेस या कभी लेस होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, या फिर डी में नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट काइंड ऑफ सबस्टांस, किस टाइप के सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सबस्टांस आर known as lubricants, किस टाइप के सबस्टांस को हम लोग क्या बोलते हैं, lubricants बोलते हैं। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हम दे सकते हैं इसका इंक्रीज फ्रिक्शन, डिक्रीज फ्रिक्शन, या फिर बोथ नॉन ऑफ दीज, आपको कैसा भी दिया जा सकता है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रिक्शन, बी डिक्रीज फ्रिक्शन, सी बोथ, और डी बोथ मतलब ए एंड बी, एंड डी जो है आपका क्या हो जाएगा, समटाइम sometime increase or sometime decrease। Okay, there are four options but only one is correct।
यू हैव टू चूज ओनली वन. व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर नोन एज लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स का मीनिंग मैंने आपको बताया था. तो लुब्रिकेंट्स में क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रिक्शन या फिर डिक्रीज होता है या फिर दोनों होता है या फिर होता ही नहीं है कुछ, उसके हिसाब से आपको टेकआउट करना है. नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन क्या हमारा दोस्त है या दुश्मन है या फिर दोनों है वो हमें लिखना है. फ्रिक्शन इज अ ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड, बी फ्रेंड एंड फो, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन होता है ना वो आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है कि पता नहीं इसमें से शायद कोई भी नहीं है क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आपको सोचना है पर ऑप्शन फ्रिक्शन इज है, क्या फ्रिक्शन हमारा दोस्त है, क्या फ्रिक्शन हमारा दोस्त और दुश्मन दोनों है. तो ये आपको डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन कैसे दिए हैं. ठीक है, नाउ वी डिस्कस दी नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन ऑप्शन नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर सी रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. ठीक है, ये हो गए आपके ऑप्शन नंबर सी बोथ और डी इज नन ऑफ दिस. नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज द शेप ऑफ एन एरोप्लेन द शेप ऑफ ए एरोप्लेन इज लाइक अ ऑप्शन नंबर 1 इज बर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज कार, ऑप्शन नंबर सी इज बोट एंड डी इज ट्रक. ऑप्शन नंबर डी इज ट्रक. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड. नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 11. नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 11. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1 व्हाइल, ऑप्शन नंबर बी ग्रीस हो गया पाउडर, डी ऑल ऑफ दिस. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है, घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1 है ऑयल, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है आपका पाउडर, चौथा है ऑल ऑफ दिस. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज
स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन ऑप्शन नंबर वन रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, स्टैटिक फ्रिक्शन किससे कम है, रोलिंग से, स्लाइडिंग से, ऑल ऑफ दिस, बोथ, जो आपके ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आपको टिक आउट करना है, केवल एक ऑप्शन आपका इसमें से सही होगा, उसमें से आपको चुनना है। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैं आपको इसमें एक और ऑप्शन जोड़ दूं, बोथ ए एंड बी, डी के बाद ई ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, तो मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पांच ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 13। दी शार्पन SHARPEN दी शार्पन द ब्लेड ऑफ नाइफ दी शार्पन द ब्लेड ऑफ नाइफ दी शार्पन द ब्लेड ऑफ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट बाय रबिंग इट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट रब करेंगे बताइए, बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस, अगेंस्ट अ सरफेस, उसके सरफेस के अगेंस्ट रब किया जा रहा है, तो कौन सा इसमें से जो होगा मोर सुटेबल होगा, विच ऑप्शन इज मोर सुटेबल, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो ज़्यादा सुटेबल होगा। ऑप्शन नंबर वन इज स्टोन, ऑप्शन नंबर बी इज प्लास्टिक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी इज वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक एंड ऑप्शन नंबर डी इज, ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए बताइए, ग्लास ब्लॉक, है ना। ये सारे ऑप्शंस में से आपको केवल एक ऑप्शन चुनना है। द शार्पन द ब्लेड ऑफ नाइफ, चाकू को धार करने के लिए, चाकू को धार करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं, तो किस पे रब करना चाहिए, स्टोन पे, प्लास्टिक ब्लॉक पे, वुडन ब्लॉक पे, ग्लास ब्लॉक पे। चार ऑप्शंस दिए गए, उसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना है। 14 इज फ्रिक्शन इज ड्यू टू फ्लूड, फ्रिक्शन जो फ्लूड के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इज ड्यू टू फ्लूड्स, फ्लूड्स के द्वारा जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका दिया जाता है पहले कंफ्यूज करने के लिए, फोर्स, बी ऑप्शन इज ड्रैग, सी ऑप्शन इज प्रेशर, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पूछा जा रहा है फ्रिक्शन इज ड्यू टू फ्लूड, फ्लूड मतलब मैंने बताया था लिक्विड गैसेस, तो उसके कारण जो फ्रिक्शन होगा लिक्विड और गैसेस के दौरान जो घर्षण होगा उसमें जो आपका होता है फ्रिक्शन उसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं या फिर ड्रैग बोलते हैं या फिर प्रेशर बोलते हैं या फिर सभी को बोलते हैं, सभी जाने जाते हैं ऑल ऑफ दिस। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 15।
इफ़ वी अप्लाई द, हम लोग क्या अप्लाई करते हैं हिंग्स डोर पे, जैसे आपके दरवाजे के जो हिंग्स होते हैं अगर वो टाइट हो जाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, वाइल लगाते हैं। इफ़ यू अप्लाई द वाइल, किस पे अप्लाई करना है, डोर के हिंग्स पे। अप्लाई ऑन डोर हिंग्स, डोर के हिंग्स पे लगाना है तो उसको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, द फ्रिक्शन विल बी, फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज बी डिक्रीज, बी ऑप्शन इज डिक्रीज। थर्ड इज रिमेन सेम, डी इज ऑल। ठीक है, तो ये आपके चारों ऑप्शंस हो गए, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम एंड ऑल। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 16। फ्लूट्स आर फ्लूट्स आर ऑप्शन नंबर वन लिक्विड्स, बी गैसेस, सी बोथ बोथ ए एंड बी, डी ऑल ऑफ दिस। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 17। टायर्स ग्रिप, टायर्स में जो ग्रिप होते हैं, हेल्प टू ऑप्शन नंबर वन इंक्रीज फ्रिक्शन, बी ऑप्शन इज डिक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रिक्शन डिक्रीज फ्रिक्शन बोथ नो चेंज, नो चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज कंप्लीटेड। अ बॉडी, वंस अ बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग, वंस अ बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग, वंस अ बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग, जैसे ये क्या है, चौक है, वंस अ बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग द फ्रिक्शन कम्स इनटू, कम्स इनटू प्ले, कम्स इनटू प्ले ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बी रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन, सी स्टैटिक फ्रिक्शन, डी ऑल ऑफ दिस। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 19। We use suitcase with wheel, which shows sliding friction, B is rolling friction, C is
static friction and D is all of these. Okay. Now we use powder in carom. Use of powder during playing carom. During playing carom, which increase friction. Option number B, decrease friction. C is both A and B. D is all are correct. All are correct. Question number 20 is completed. Which is a streamlined शेप? इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके स्ट्रीमलाइन शेप होते हैं? तो आपको बताना है. पहला नंबर वन दिया है आपको, बोट्स. बी, एरोप्लेन. सी ऑप्शन इज शिप्स. डी ऑप्शन इज नन of these. Now we discuss the question number 22. Which of the following is responsible for removing out of removing या फिर wearing out, और आप इसको wearing भी लिख सकते हैं, wearing out of bicycle tires. Okay, now the option number A is muscular force. Option number B is magnetic force. Option number A is muscular force. Option number B is magnetic force. Option number C is frictional force. Option number D is none of these. ये चार ऑप्शन दिए हैं. मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझा दूंगा. क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है विच वन इज स्ट्रीमलाइंड शेप. मैंने आपको बताया था आगे से पतला होता है, पीछे से भी पतला होता है, लाइक अ फिश. तो उसमें से आप ऑप्शन चुन लीजिए, आपको हिंट मिलेगी. आपको बोर्ड से, एरोप्लेन है, शिप से, नन ऑफ दीज है. क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग और वेयरिंग. वेयरिंग मतलब होता है निकलना, रिमूविंग मतलब होता है निकलना या फिर निकाल देना. वेयरिंग आउट ऑफ बाइसाइकिल टायर्स जो निकलते हैं वो किसके कारण निकलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण निकलते हैं, या फिर इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपको बताना है. ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए है आपका मस्कुलर फोर्स. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 23.
it is difficult to walk on a oily floor. वाइली फ्लोर पे चलना काफ़ी दिक्कत होता है, तो ऐसा क्यों होता है बताइए? अगर कहीं तेल गिरा है सरफेस पे और उस पर चलना हो तो दिक्कत क्यों होगा? बिकॉज ऑफ वाइली फ्लोर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन वाइली फ्लोर बिकॉज, किसके कारण? बिकॉज ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन बी ऑप्शन इज डिक्रीज फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर सी इज बोथ एंड डी इज ऑप्शन नंबर डी इज फ्लोर गेट्स स्पॉइल्ड फ्लोर गेट स्पॉइल्ड ठीक है। तो ये आपके हो गए चार ऑप्शंस और इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। ये आपका आर है फ्लोर FLOOR ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 24। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज टू डैश मेजरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी इज फोर्स, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। साइड ऑफ द शूज प्लेन After several month, कुछ महीने बाद जो शूज के साइड होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन हो जाते हैं। क्यों प्लेन हो जाते हैं? क्योंकि कुछ दिन बाद आप पहनते हो, कुछ महीने पहनते हो। आफ्टर वेयरिंग द साइड ऑफ द शूज प्लेन आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ वेयरिंग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहनने के बाद, बिना पहने तो हो नहीं सकते, हो तो नया का नया ही रह जाएगा। तो क्यों होता है? वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, वेयरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। सेकंड ऑप्शन इज वेयरिंग आउट ड्यू टू नो फ्रिक्शन, वेयरिंग आउट ड्यू टू नो फ्रिक्शन ओके। व्हाट इज ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी आपका कहता है सोल इज ऑफ बैड क्वालिटी, कि आपका जो सोल दिया है कि जहां से आपने खरीदा है क्या वो बैड क्वालिटी का है? सोल इज ऑफ बैड क्वालिटी, सोल जो आपका बैड क्वालिटी का है। और ऑप्शन नंबर डी हर बार की तरह नन ऑफ दिस ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको इमेज भी दिखाया था कि स्प्रिंग बैलेंस जो डिवाइस है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो आपको बताना है। और लास्ट कहता है कि शूज़ को पहनते पहनते क्या हो जाता है? उसके साइड प्लेन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्या सोल आपका बैड क्वालिटी का है, जो आपके ऑप्शन दिए हैं, क्यों? इंक्रीज फ्रिक्शन इंक्रीज होने के लिए, या फिर आपका वेयरिंग और ड्यू टू फ्रिक्शन, वेयरिंग ड्यू टू नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बैड क्वालिटी। ये सब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको केवल एक ऑप्शंस को करेक्ट करना है। और एग्जाम्स में
जैसे ही आप लिख लोगे, सेंड कर दोगे, उसके बाद अपने रोल नंबर्स को भी आप वहाँ पे लिख दोगे, नाम और रोल नंबर को, ठीक है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, आपको अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, और आपको आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, कंपलसरी है, और अपना 100% दीजिए, जितना हो सके कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द एग्ज़ामिनेशन।